Right, we were doing integrals by substitution, ठीक है, integration by substitution. So question को करने के बहुत सारे तरीके हैं. हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा ऐसे तरीका ढूंढें जिसमें कि कम एफर्ट्स में कंसेप्चुअली सही तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकें. अब एक तरीका यह है कि आप ऊपर नीचे 1 + sin x/2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे तुम्हारे पास cos² x/2 आ जाएगा और फिर तुम उसको डील कर पाओगे. ठीक है, एक और तरीका सोच सकते थे आप. जैसे मैं इसमें अगर सोचूं कि 1 - cos θ का फॉर्मूला हमें पता है, तो ये जो साइन थीटा है इसको अगर मैं कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं π/2 - θ. इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें अच्छे से मालूम है कि 1 - cos θ है या फिर 1 + cos θ है. ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कम स्टेप्स में तुम्हें सही आंसर तक पहुंचा देंगे अगर तुमने उसको सही समय पे सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया. 1 - cos θ will always give you what? Twice of sin² θ/2, है ना? And 1 + cos θ would give you what? Twice of cos² θ/2. ठीक है? तो आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस sin x/2 इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा यूजिंग दिस सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन. करके देखते हैं ना, लेट्स डू इट. ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज सर्टेनली रिक्वायर्ड है जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, है ना? एंड आई होप यू आर ओके विद दैट. सो इसको मैं लिखूंगा π/2 - θ. थीटा कितना है हमारे पास? x/2. अब यहाँ पे क्या बेनिफिट हो गया, 1 - cos θ तुम अब अप्लाई कर सकते हो, राइट? एंड नाउ दिस इज समथिंग विच यू नो, आई मीन विच वोंट पोज एनी प्रॉब्लम टू यू. कितना हो जाएगा? दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ sin² θ/2. sin² θ/2, थीटा कितना है अपने पास? इसका हाफ करोगे तो π/4 आ गया और -x/4 आ गया. ठीक है, हाफ. अब 1 / sin² कितना होता है ये तो आप जानते ही हो, कितना होता है? cosec² होता है. इस हाफ को उठा के बाहर रखो, राइट? दिस इज cosec² π/4 -x/4 विद रिस्पेक्ट टू dx. ठीक है, अब सोचना है क्या ये किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने पे cosec² मिलता था क्या? तो याद आता है, हाँ मिलता तो था. इससे cot से -cos मिलता था, -cosec मिलता था. तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? -cot. ठीक है, तो 1/2 एज इट इज रखूंगा और मैं क्या बोलूंगा, कॉट ऑफ थीटा. थीटा कितना है? π/4 - x/4 डिवाइडेड बाई ए. डोंट फॉरगेट दैट ए कितना है यहाँ पे आपके पास? -1/4. तो -1/4 से आप यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करोगे प्लस 3. फाइनल आंसर आपको क्या लेना चाहिए? दैट विल बी -2 टाइम्स हो जाएगा ऊपर जाके, 2 टाइम्स cot ऑफ π/4 - x/4. ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करोगे, है ना? और भी तरीके हो सकते हैं, यू नो इट, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन. बट देन वट एवर कैन गिव यू नो, कैन हेल्प यू रीच द आंसर इन द फास्टेस्ट वे, दैट शुड बी प्रेफर्ड. और प्रैक्टिस से यही चीजें निकल के आती हैं. ठीक है, सॉल्व करने के बहुत तरीके, तुम भी देखोगे कि क्वेश्चन को तुम खुद ही 3 3 तरीके से करोगे, 4 4 तरीके से करोगे. बट देन जब आप हर बार अलग अलग तरीके से सोचते हैं, राइट, इट गिव्स यू अ स्कोप ऑफ यू नो ट्रेमेंडस थिंकिंग, द थॉट प्रोसेस इंप्रूव्स. इंटीग्रेशन की ये बड़ी खास बात है, और खास करके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की. डेफिनिट में इतना कुछ खास क्रिएटिव नहीं है, बट इनडेफिनिट में बहुत क्रिएटिव है. तुम्हारे पास स्कोप बहुत है सोचने का. इनडेफिनिट है ना, इनडेफिनिट बाउंड्रीज है. डेफिनिट में तुम्हारे पास सोच लिमिटेड है, हाँ ये प्रॉपर्टी है ये यूज करो, इसको ऐसे करो, बट यहाँ तुम बहुत क्रिएटिव हो सकते हो. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको रहने देते, आप आराम से कर लोगे. 16th पे जरा दिमाग लगाते हैं, हाउ कैन वी डील विद 16th, बताइए. मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में करके बताता हूँ. 16th क्वेश्चन इज व्हाट वी वांट टू डील विद. इट्स ऑल अबाउट हाउ सिंपल कैन यू मेक इट, राइट? एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज कितनी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, एंड यू विल रियलाइज इट, यू विल कीप रियलाइजिंग इट. सो ट्रिगोनोमेट्री कर लो अच्छे से, राइट? मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं की है, ड्रॉप अ मैसेज ऑन द ऑफिशियल ग्रुप ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू दोस वीडियोस. जो मैंडेटरी वीडियोस हैं वो तो देख ही लो. ठीक है, एक 13 मिनट की वीडियो है कि अगर तुम बिल्कुल एकदम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, तो वो 13 मिनट वाली वीडियो देख लेना. और एक एक सवा घंटे की वीडियो है जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कैलकुलस में यूज होते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि तुम उसको रिटेन कर सको. ठीक है, एक होता है रटना और एक होता है समझना. तो अगर रटना है तो आस्क फॉर दैट 30 मिनट्स वीडियो, और अगर समझना है तो आस्क फॉर दैट ऑलमोस्ट 70 75 मिनट्स वीडियो. ठीक है, बट ट्रिगोनोमेट्री यू कैन नॉट स्किप इट. बींग अ पीसीएम स्टूडेंट यू कैनॉट स्किप इट इन कैलकुलस, यू हैव टू डू इट. ठीक है, यू हेट इट, यू लव इट, बट यू कैनॉट इग्नोर इट, इट्स लाइक दैट. ओके, लेट्स सी.
तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x कई बार हमने देख लिया, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है कितना है भाई, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू थीटा बाई टू, यानी कि क्या बोल दू, 2x बोलता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर को थोड़ा सोचता हूँ, थोड़ा सा, ये क्या है मेरे पास, कॉस एक्स बाई साइन एक्स है ना, ये क्या है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स है, और ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। एलसीएम वेलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, देखो बताता हूँ कैसा बनेगा। ये तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर 2x है और ये dx है। नीचे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम कितना आता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। ऊपर देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगेन अगर तुम्हें ट्रिकोनोमेट्री याद है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स व्हाट, दैट इज कॉस 2x, दैट इज व्हाट, कॉस 2x। तो इसमें से इसको एक कॉस 2x को इस कॉस स्क्वायर एक से कैंसिल कर सकते हैं, बचता क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कौन सी चीज बच जाती है, यहां लिखता हूं, आपके पास ऊपर ये एक कॉस 2x रह गया और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऊपर चला गया, राइट, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर से आपकी हो गई छुट्टी। अगर इस 2 को उठा के मल्टीप्लीकेशन का है कहीं भी लगा सकते हो, यहां लगा दो, तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें दिखना चाहिए, दिस इज व्हाट, साइन 2x, ओहो क्या बात है, ये तो बड़ा मजेदार हो गया, दो स्टेप में ही खत्म हो गया, cos 2x into sin 2x into dx। अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, क्यों बनाओ ना यार, 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट, sin 2 थीटा, खत्म करो काम यार, समझे कि नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज sin ऑफ 4x dx एंड देन एवरीवन नोज व्हाट इज द आंसर, कितना हो जाएगा, दिस वुड बी माइनस ऑफ cos 4x अपॉन 4, 4 2s are 8, so that is upon 8 plus c. This should be the final answer in this question. I hope you get it. 18th question कर डाले, कुछ नहीं है तो बिल्कुल ही straightforward question है, right? 18th question में तो कुछ भी नहीं है, straightforward question है. Tan square x का कभी differentiate करने पे आता है? मुझे तो नहीं मिलता. तो मैं क्या करूँ? इसको sec में convert कर लेता हूँ. Sec square का मेरे पास पता है. तो क्या लिख लूँ इसको? इसको मैं लिख लेता हूँ sec square theta. जो भी था theta. Theta क्या था? 2x minus 3. माइनस वन भी करना पड़ेगा, है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिकोनोमेट्री है, ठीक है, ये सब के सब तीनों कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तीनों के तीनों कहाँ से निकल के आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उस वीडियो में बता रखी हैं, तो देख लेना अगर नहीं तुम्हें ये सब याद नहीं रह रहा है तो, ठीक है। अब सेक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, राइट, सो विल बी गेटिंग टेन ऑफ whatever function we have, that is 2x minus 3, divided by coefficient of x, that is 2, minus kitna, x plus c, okay, that's all, so extremely easy question. Coming to the last question for today, I give you 1 minute time for this, batao. Let's deal with this, right? यहाँ पे सबसे पहले एक बात हमेशा देखो, substitution में तुम्हारी ना, बल्कि पूरे integration में तुम्हारी foresight थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तुम्हें एक दो स्टेप अगर आगे का दिख रहा है तो यू आर ऑन द राइट लाइंस। जैसे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, अब इसको तो कैसे सिंपलीफाई करें, कोई फार्मूला भी नहीं पता 1 माइनस tan x का ऐसा, तो राइट, तो क्या करें, मुझे ये दिखता है, अच्छा भाई और क्या दे रखा है, तो ये दिखता है 1 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिस कैन बी टेकन एज sec स्क्वायर x, ठीक है। अब सोचना है कि क्या ऐसा कुछ हम यू नो कभी भी तुम्हें इस तरह कुछ भी दिख जाए, राइट, ऊपर तुम्हें दिख जाए f'x, राइट, f'x dx और नीचे कुछ भी हो, राइट, 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एफ एक्स का होल क्यूब, जो मर्जी हो, तो इस तरह के केसेस को डील करने का बेस्ट तरीका होता है तुम एफ एक्स को ले लो टी और तुम्हारा काम हो जाएगा खत्म, समझे क्या, प्लस माइनस कुछ भी हो, राइट, एनीथिंग। तो तुम्हें ये हिंट मिल रहा है यहाँ पे क्या, कि अपने को टैन एक्स को लेना चाहिए टी और यहां से मैं डी टी अपॉन डी एक्स को क्या बोलूंगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इससे बहुत अच्छा फायदा ये हो रहा है, मैंने क्या बोला था, जो भी तुम एज्यूम करते हो हर चीज को उसमें कन्वर्ट कर लो, डी टी क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा तुम्हारे पास sec square x into dx, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये देखो कितना अच्छा हो जाएगा, इसको मैं अगर i नाम दे देता हूँ तो sec square x into dx के जगह पे क्या लिखूं, डी टी लिखता हूँ, नीचे क्या आ गया, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, दिस इज फैंटास्टिक, इसको मैं क्या लिखूं, 1 माइनस टी की पावर माइनस 2 अपॉन डी टी इंटू डी टी, राइट, डू वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सर्टेनली यस, कितना होगा ये,
वन माइनस टी माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, क्या ये फाइनल आंसर है? कभी नहीं, फाइनल आंसर तो हमेशा वो होगा जो था, यानी कि एक्स था तो एक्स ही होगा। इनडेफिनिट में ऐसा करना पड़ेगा, डेफिनेट में तो ये सब्स्टिट्यूएंट को वापस लाना ही नहीं पड़ता, आंसर वही हो जाता है बस, क्योंकि वहां वैल्यू रखनी होती है। तो आप यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज माइनस वन है, और माइनस अपॉन में क्या रखोगे आप इसको, वन माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, एक और क्वेश्चन है, अभी अभी आपने ये दिया है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस दिस। एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन दिस, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात याद रहती है ना, सिर्फ इतनी सी बात, क्या कि tan इनवर्स x का जब आप dy by dx करते हो तो ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। मान लो इसको तुमने i बोला, और जैसे तुम्हें इतनी सी बात याद आती है तो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या करोगे? tan इनवर्स x की पावर 4 को t लोगे, डिफरेंशिएट करो। चेन रूल हमें इंटीग्रेशन का नहीं आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन का तो आता है ना। कितना हो जाएगा? dt by dx is equal to 1 upon x की पावर 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 1 plus x की पावर 8, और फिर x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 4 टाइम्स x क्यूब, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। अब हम क्या सोचेंगे कि dx को कैसे सब्स्टिट्यूट करें, मतलब क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है कि dt by 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। ओहो फैंटास्टिक, x क्यूब भी है, ये भी है और dx भी है, अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। सो y कितना आ गया? y आ गया तुम्हारे पास sin of t, राइट, एंड dt by 4, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 4 ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कांस्टेंट तो कहीं भी हो, कोई चक्कर ही नहीं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin t? इट इज माइनस cos t, सो माइनस cos t, cot नहीं cos, इट इज माइनस ऑफ cos ऑफ t, cos ऑफ t अपॉन 4 प्लस c। t की वैल्यू वापस से वही रखना मत भूलना जो है। तो फाइनल आंसर आप कुछ ऐसा रख सकते हो, इट इज माइनस cos ऑफ एंड tan इनवर्स x raised to the power 4 अपॉन 4 प्लस सी। दैट्स ऑल।